जरूर, मैं अपना नाम बताइएगा और रेजोल्यूशन। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी पांडे है और मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैंने ज्योतिष आचार्य की भी डिग्री प्राप्त की हुई है भारतीय विद्या भवन दिल्ली से श्री के एन राव जी के अंडर में। मैम, ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के आधार क्या है? ज्योतिष हमारे वेद के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग है और इसका आधार हम लोग पूर्व जन्मों को मानते हैं। तो जो पूर्व जन्मों के हमारे कर्म हैं और जो इस जन्म के कर्म हैं, उन कर्मों का जो फल है उसका वही ज्योतिष का आधार है। ज्योतिष का स्वरूप कैसा है, किस तरीके का इसका स्वरूप है, कितना बड़ा है ज्योतिष का क्षेत्र? ज्योतिष तो एक ज्ञान है जैसे आसमान, तो वो तो व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो उसमें से कितना ज्ञान लेता है और लोगों के कितने काम आता है उस ज्ञान से। अच्छा, ज्योतिष से जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है? कई लोगों को ज्योतिष के बारे में अभी भी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, जो ज़्यादा लोग भरोसा नहीं कर पाते, तो इसके जरिए कई मतलब अपने जीवन को कैसे लोग सार्थक बना सकते हैं? देखिए, ज्योतिष जैसे हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष से आप आने वाली परिस्थितियों की संभावनाएं आप मालूम कर सकते हैं। जैसे एज अ डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ, आजकल डेंगू बरसात का मौसम है तो हमें लगता है डेंगू हो सकता है, ये बीमारी, तो हम उनके वैक्सीन ले लेते हैं, हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं। वही चीज़ ज्योतिष में है कि ज्योतिष में हम कुंडली को देख के हमारे जीवन के किस भाग में हमें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम उसके लिए प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान भी रख सकते हैं। ये है ज्योतिष का। या जैसे हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कौन सा करियर बेटर होगा, तो हम उसका ज्ञान प्राप्त के बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरफ रहेगा। जैसे आपने कहा कि ज्योतिष के जरिए मतलब अपने आप को बचा भी सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप? हाँ जी, जैसे सपोज हमको लगता है कि दशाओं को देखते हुए, कुंडली को देखते हुए हमें हार्ट की प्रॉब्लम का, हृदय रोग का डर है या डायबिटीज का है, तो हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, हम रेगुलर पे अपना ब्लड चेकअप करा सकते हैं इन सब चीज़ों से। क्योंकि एक हमें, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमें तो जीवन में कभी कोई बीमारी होगी नहीं, हम अपनी गलतियाँ देखते ही नहीं हैं, तो ज्योतिष हमें वो रास्ता दिखाता है कि भाई ये रास्ता है और आपको इस बीमारी का डर है, आप यहाँ ध्यान रखिए। मैम, आप एक पैथोलॉजिस्ट हैं, आप एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपका कहना है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक नया वर्ड है, इसके जरिए भी लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्या है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उस ज्योतिष का ही एक अंग है। इसमें हम सिर्फ बीमारियों को लेके और ज्योतिष के अलग अलग, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग का अध्ययन करके हम बीमारियों की, कौन सी बीमारी की उम्मीद है और किस उम्र में है, उसका हम लोग मालूम कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग चिकित्सा ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और रही बात, इससे हम प्रिकॉशंस, ये प्रिवेंटिव तरीका होता है, हम इसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। पूजा पाठ का असर होता है, लेकिन पूजा पाठ सिर्फ कर्म कांड नहीं होता कि हमने इतना व्रत कर लिया, इतना आप किस भाव से भगवान से जुड़े हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, तो वो आदमी और उसकी इच्छाओं पर होता है। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि किस आदमी को कितनी बीमारी हो सकती है, किस समय में हो सकती है, उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या एक सामान्य आदमी भी सब इस चीज़ को जान सकता है कि ज्योतिष के हिसाब से कि मुझे आने वाले समय में कौन सी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, हर आदमी जो चाहे सामान्य हो चाहे बड़ा हो, एक जन्म उसी तरह से होता है, एक कुंडली लेके आया होता है, समाज में उसकी कोई भी स्थिति से जन्म कुंडली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, तो वो तो बिल्कुल जान सकता है। इसके जो मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा और डिटेल कर सकते हैं, मतलब लोग, एक कॉमन लोग को पता चले कि हम ज्योतिष के अपने, कई बार क्या होता है ना कि पंडितों से लोग हाथ दिखा लेते हैं तो कहते हैं क्या मैं स्वस्थ रह पाऊंगा, लेकिन उनके आने वाले समय फिर से वो बीमार पड़ जाते हैं। इसके बारे ऐसा है कि आजकल ज्योतिष की थोड़ी दुर्दशा हो गई है। अच्छा। कारण, ज्ञान बहुत अच्छा है जी। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करने वालों ने पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त किया जी, थोड़ा ज्ञान दिया, फिर लालच, आप उससे रुपए पैसे कमाने लगे तो आप में एक लोभ आ गया, तो लोभ आ गया तो आप लोगों को के डर से कमाना शुरू कर दिया, तो बदनाम ज्योतिष होती है। ज्योतिष की कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसे बदनाम किया हुआ है। ज्योतिष से हम बिल्कुल बीमारियों का पता लगा सकते हैं, हम इनसे आने वाले समय में खुशी का, दुख का, दोनों समय
समय में हम ये इंगित करता है हमें। अच्छा। तो ये सारी चीजें हमें ज्योतिष से पता चलती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट तो बीमारी, क्योंकि मैंने काफी करीब 150 से 200 कुंडलियों का अध्ययन किया है। अच्छा। और उसके अंदर हमको हमने ये देखा कि ज्यादातर में हमें बीमारियों की तरफ इशारा मिला है। अच्छा। ये बीमारियां हैं जिसमें कुछ जन्मजात भी बीमारियां हैं, कुछ युवावस्था में है, कुछ ओल्ड एज में है। ये सारी बीमारियों की तरफ हमको जन्म कुंडली से और दशाओं से पता चल जाता है। मैम, डॉक्टर होकर एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? आप तो एक डॉक्टर हैं। हाँ, ज्योतिष की मेरे को शुरू से रुचि थी, मेरे पिता की भी रुचि थी, तो उन्हीं से मैंने शुरुआत में सीखा। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मुझे लगा कि एक लेवल पे हमें थोड़ा और आगे सीखना है। अच्छा। तो यहाँ भारतीय विद्या भवन दिल्ली में जो है वहाँ श्री के एन राव है, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, और भी बहुत अच्छे शिक्षक गण है वहाँ। और आजकल मैं वहाँ रिसर्च में हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। तो वहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया और वहीं से अपने ये आप शौक समझ लीजिए चाहे कुछ भी समझ लीजिए, ये मैंने आपके रोल मॉडल कौन है मैम, आइडियल आपके कौन है? मेरे सारे शिक्षक गण, मेरे पिता, सभी मेरे आइडियल हैं। जिन जिन्होंने मुझे इसकी शिक्षा दी वही सब मेरे आइडियल हैं। एक सवाल मैम उठ रहा है, जैसे आपने कहा कि जो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है इससे बीमारियों का पता लगा सकता है। आपने उससे पहले कहा था कि जैसे बारिश आ रही है तो आप डेंगू के लिए वैक्सीन लगा सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं, तो क्या ज्योतिष के थ्रू भी हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अपना सकते हैं जिन बीमारियों के बारे में ज्योतिष इंगित कर रहा है किसी को? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, दशाएं होती हैं। हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति के बीमार होने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो वो जिस ग्रह की वजह से हम ये मानते हैं होती है, उसकी पूजा से, उनकी उपासना से। आप देखिए, क्रोधी आदमी के सामने भी आप अगर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं तो उसका क्रोध कम हो जाता है। तो उसी तरीके से आप अपनी पूजा से, उपासना से, इन सब तरीकों से आप अपने उस, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बट ये है कि हाँ, अगर एक स्पीड ब्रेकर आता है, आप गाड़ी हल्की कर लेते हैं तो आपको वो झटका नहीं लगता है कि जो झटका आपको तेज गाड़ी चलाने से लगता है। और कर्म तो कर्म है, फल उनका जरूर मिलता है, बट कई बार थोड़ा हल्के से मिलता है। आप सहज जाते हो, वो नुकसान नहीं होता जिसकी आप अदरवाइज जो नुकसान हो सकता था, यहाँ तक इसका जरूर हो जाता है। मैम, यंगस्टर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग यंगस्टर्स का जो है वो ज्योतिष के ऊपर आज भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्या आपका मैसेज होगा? देखिए, भरोसा तो ये हमारे हमारी संस्कृति के धरोहर है। जब आप इसमें घुसेंगे, इसे जानेंगे और सही आदमी के पास पहुंचेंगे तो आप इस पे भरोसा करेंगे। समाज में चोरी भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी जो सड़क पे मिल रहा है वो चोर है। तो आपको, आप जानिए इसे, ज्योतिष की किताबें पढ़िए, जो अच्छे ज्योतिषियों से मिलिए, अपने जीवन को प्लान करिए। ये जो पोंगा पंडित होते हैं, जो डराते रहते हैं, आपसे पैसे उगाते रहते हैं, उनके पास जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में भरोसा नहीं होगा। मगर आप देखिए, पुराने टाइम के जो राजा महाराजा होते थे, हर एक के पास एक राज ज्योतिषी होता था। आप देखिए, रामायण पढ़िए तो रामचंद्र जी के पास भी वशिष्ठ जी थे। आप महाभारत पढ़िए तो कृष्ण जी ने भी कर्ण को ये बताया कि ये नक्षत्र है, इस समय ये पैदा हुआ। पूरा ज्योतिष तब भी था, लेकिन तब किसी का रुपये पैसे नहीं होता था, किसी की जीविका नहीं होती थी। जहाँ ज्योतिष से जीविका जुड़ी, समझिए ज्योतिष गड़बड़ होगी, उसको जीविका से नहीं जोड़ना चाहिए। मैम, आखिरी सवाल है, ज्योतिष पे रिसर्च के को लेकर ना तो कोई लैब है ना ही कोई यूनिवर्सिटी है, कितनी चुनौतियाँ हैं इसको लेकर? बहुत है। सबसे पहले तो लोगों का भरोसा ही नहीं है, बहुत कम वर्ग एक ऐसा है जो उस पर भरोसा कर रहा है। दूसरी चीज, छोटे छोटे स्केल पे लोग कर रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि आप अपना ही भारतीय संस्कृति है, ज्ञान है, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाइए। इसको आप देखिए, एम्स से, अलग अलग हॉस्पिटल से आप इन्हें जोड़िए, आप जोड़ के देखिए क्या असर आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, भूकंप है, हम लोगों ने भारतीय विद्या भवन में भूकंप के ऊपर इतनी रिसर्च की हुई है, और किस 15 दिन में भूकंप की हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है, और कई बार हुआ भी है क्योंकि अलग अलग जर्नल्स में हमारे छपता है। तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो देंगे तो अपनी ही भारत की एक बहुत बड़ी संस्कृति धरोहर जो छुप गई थी, हम उसे निकाल सकते। थैंक यू। थैंक यू।